कभी कभी दोस्तों क्या होता है, एयरलाइंस की गलती की वजह से आपका जो बैग रहता है वो किसी दूसरे फ्लाइट में रख दिया और वो किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। तब क्या होगा, वो बैग हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर हमारा सामान ऐसे ही हमारा छूट गया या मेरा चोरी हो गया तो हमारा वो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो आपका जो सामान खोया हुआ है वो कितने दिन में और आप तक कैसे पहुंचेगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप शंकी, आज फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हमारा कोई सामान खो जाता है, कोई सामान छूट जाता है, तो वो हम तक फिर कैसे पहुंचेगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज भी वीडियो होने वाली है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों आज मैं बारीकी से पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर आपका बैग छूट जाता है तो कैसे आप फिर से बैग ले सकते हैं, क्या क्या होता है। कभी कभी हमारी जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, उन दोनों फ्लाइटों के बीच हमारा एकदम कम समय होता है और उसी सिचुएशन में हमारा जो बैग है जो बेल्ट पे नहीं आता है काफ़ी देर तक, तो उस समय क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है कि चलो अपना बैग हम सामान छोड़ दें। तो काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं तो छूट जाता है या किसी का धोखे से छूट जाता है या छोड़ दिया, तो उस समय हम फिर वो उस बैग को अपने पास कैसे फिर दोबारा उस बैग को ले सकते हैं, तो वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो क्या होता है दोस्तों, जिस समय आपका बैग वहाँ छूट गया, फिर आप चले गए, आपका बैग गुम हो गया, फिर दोबारा से आप कैसे वो बैग को ले सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे आपका बैग गुम हो गया तो जो एयरलाइंस होती है सबसे पहले उसको कंप्लेंट करें। कंप्लेंट कैसे करनी है दोस्तों, कंप्लेंट आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने उनको बोल दिया कि हमारा सामान गुम हो गया है ऐसे, तो वो कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि आपका सामान ढूंढा जा रहा है इसलिए देरी हो रही है, कि काफ़ी सारी बातें वो आपको बता सकते हैं, इसलिए आपका डिले हो रहा है, वो धीरे धीरे करके डालाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। ऑनलाइन कंप्लेंट से क्या होगा दोस्तों, जो आपका काम होगा वो फास्ट होगा और वो आपके जो सामान है उसे जल्दी ढूंढकर आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मेरा सामान हमारे तक कैसे पहुँचेगा, तो दोस्तों इसीलिए जो आपका बैग लगेज रहता है, जो आपका जो भी लगेज रहेगा ना, बैगेज रहेगा, तो उसके ऊपर जो बैगेज टैग रहते हैं इसीलिए वो डाले जाते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस की जो आपका सामान है अगर खो जाने पर आपके घर तक आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों ये बात याद रखना, कभी कभी जब आपका जैसे बैग मिस हो गया उस समय जो एयरलाइंस वाले होते हैं तो आपसे वो प्रूफ के तौर पर मांग सकते हैं कि आपके सामान की लिस्ट दीजिए, आपके सामान की जो 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 प्राइस है वो दीजिए। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं या आप जाने से पहले आपकी लिस्ट बना लें सामान की, क्या है अपने बैग में पैक कर रहे हैं, या तो दोस्तों आपके पास वो फोटो खींच लेनी चाहिए कि इस बैग में हम ये रख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो आपसे एड्रेस के तौर पर आपसे मांग सकते हैं कि आपका ही बैग है या दूसरे का बैग है, तो सब ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एयरलाइंस जो होती है आपके बैग को फिर उसी तरीके से आपको जो कोरियर द्वारा आपके घर तक पहुंचाएगा और जो आपका ट्रैक नंबर रहता है वो भी आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपको बार बार ट्रैक करके देख लेंगे कि हमारा सामान यहाँ तक पहुंचा है और हम तक आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जिस तरीके से मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक दिन में सामान एयरपोर्ट पर छूट जाता है, तो एयरलाइंस हमें मौका देती है अपना सामान को हम फिर से दोबारा ले सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सामान को आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो में बताया, आपकी सारे सामान की लिस्ट होनी चाहिए, वो कभी कभी प्राइस भी मांग सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सामान को याद रखें कि, और ज़्यादा कीमती सामान है जैसे आपके पैसे वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, वो आपको हैंड बैग में ही रखें, कभी जो चेक इन बैग होता है उसमें ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो आपके कीमती सामान है। इसलिए तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने सामान को ले सकते हैं और आप उसी तरीके से मंगा सकते हैं जैसे कि मैंने मंगाया। तो कंप्लेंट हमेशा ऑनलाइन दें दोस्तों। तो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।